फ्रेंड्स वेलकम बैक टू क्रिएटिव वंशिका यूट्यूब चैनल। कैसे हैं फ्रेंड्स? जय माता दी। तो फ्रेंड्स आप थोड़ी सी गर्मी से तो राहत मिल गई होगी, सब जगह ऑलमोस्ट बारिश हो रही है। तो हमारे इधर भी कल भी हुई है, आज भी बहुत हुई है, लेकिन वही चीज़ है कि बारिश मतलब हम इंसान जो है उनकी टेंडेंसी है, हम किसी भी चीज़ से खुश नहीं रहते। ज़्यादा गर्मी हो तो प्रॉब्लम, अब बारिश हो रही है तो प्रॉब्लम, क्योंकि बारिश से क्या होता है ह्यूमिड हो जाता है और प्लस जाम वगैरह मिल जाता है। तो उस चक्कर में फ्रेंड्स हम जनरली इंसान की टेंडेंसी है कि हम किसी भी चीज़ से खुश नहीं रहते हैं। तो वैसे मैं इस टॉपिक से बात नहीं करने वाली हूँ, लेकिन फिर भी मैं एक जनरल डिस्कशन कर रही थी। तो फ्रेंड्स आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स एक मैं बहुत ही डिफरेंट टॉपिक लेके आई हूँ कि जैसे हर लोग मतलब नवरात्रे होते हैं, चार नवरात्रे होते हैं, चार में से जो होते हैं वो दो गुप्त होते हैं। एक तो हम लोग जो मनाते हैं मार्च के आसपास, और एक हम लोग दशहरे के बाद जो मनाते हैं, दशहरे से पहले सॉरी रामनवमी वगैरह होते हैं, उसके बाद दशमी में दशहरा मनाया जाता है। वो दो नवरात्रे होते हैं जिसको कि हर कोई सेलिब्रेट करता है, बट ये जो दो नवरात्रे होते हैं ये गुप्त नवरात्रे होते हैं, जो कि माघ में और मतलब चार जो होते हैं माघ चैत आषाढ़ और अश्विन मास में मनाया जाता है। इसमें से जो माघ और आषाढ़ में आने वाले नवरात्रे होते हैं ना, वो फ्रेंड्स गुप्त नवरात्रे के नाम से जाना जाता है, जिसको कि आम जितने पारिवारिक लोग हैं वो लोग सेलिब्रेट नहीं करते हैं। ये और ये जो है ये मतलब वही 9 दिन तक ही सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन ये नॉर्मली क्या होता है गुप्त होते हैं, तो इसको जनरली सब लोग सेलिब्रेट नहीं करते। तो ये जो गुप्त नवरात्रा है, एक ये जो है ये जुलाई के मंथ में आने वाला है, अभी 6 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। तो ये और नवरात्रे जो होते हैं ना फ्रेंड्स, वो डिपेंड करता है कि मतलब नवरात्रे तो आते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कि माता की जो सवारी होती है वो मतलब उस पर बहुत डिपेंड करता है कि हमारा आने वाला साल कैसा होगा, या मतलब वो जनरल देश के लिए, व्यापार के लिए, हर आदमी के लिए उस तरह से मतलब वो चीज़ असर क्या करता है। तो उसी तरह से मैं इस बार बताने वाली हूँ कि जो 6 जुलाई को गुप्त नवरात्रा स्टार्ट हो रहा है वो कैसे है। तो वो गुप्त नवरात्रा जो है वो 6 जुलाई को स्टार्ट हो रहा है फ्रेंड्स। तो और ये गुप्त नवरात्रा जो है इस बार 10 दिन का है, वैसे 9 दिन का होता है लेकिन 10 दिन का है, क्योंकि चतुर्थी जो तारीख है, चतुर्थी जो होती है, जैसे एक एक होता है, द्वितीय होती है, तृतीय होता है, चतुर्थी, चतुर्थी 2 दिन की पड़ रही है। तो चतुर्थी 2 दिन की पड़ने के कारण जो नवरात्रा है वो 10 दिन का हो गया। और गुप्त नवरात्रों में महाविद्याओं की पूजा की जाती है, और तंत्र साधकों के लिए ये समय जो होता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि गुप्त नवरात्रों के मैंने पहले भी बताया है कि मतलब हर आदमी इसको पूजा पाठ नहीं करता है, लेकिन जो मतलब कोई भी अगर इसकी पूजा पाठ करेगा तो ये जो आराधना करता है उसके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होता है। और फ्रेंड्स जो मेरा मेन टॉपिक है कि इस बार जो माता है वो किस पे चढ़ के आने वाली है, जैसे कभी शेर पे सवार होती है, कभी घोड़े पे सवार होती है, कभी रथ पे सवार होके आती है, तो उससे उसके हमारे देश दुनिया पे क्या असर होने को मिलता है उस पे डिपेंड करता है। तो फ्रेंड्स इस बार जो है उनकी जो सवारी जो गुप्त नवरात्रों में क्या जो है वो इस बार जो है उनकी घोड़े की सवारी है। जो घोड़े की सवारी होती है ना फ्रेंड्स, और ये मंगलवार जो नवरात्रे होते हैं वो मंगल या शनिवार अगर दिन स्टार्ट होते हैं तो घोड़े की सवारी होती है, और घोड़े की जो इस बार 6 जुलाई को जो स्टार्ट हो रहा है वो शनिवार है, सैटरडे है, तो सैटरडे के दिन इनकी जो सवारी है वो घोड़े की सवारी है। तो 6 तारीख से मतलब गुप्त नवरात्रे स्टार्ट हो रहे हैं। तो घोड़े पर सवार होकर जो माता रानी हमारी आएंगी, इसकी वजह से देश दुनिया में कई घटनाएं ऐसी हो सकती हैं जिनका बुरा असर हर किसी पे पड़ सकता है। ऐसा नहीं है मतलब किसी एक टाइप के लोग हों, सीमित या लिमिटेड टाइप के लोगों पे ही असर पड़ेगा, ऐसा नहीं है, ये हर एक पे असर पड़ेगा।
और इसमें देश में शीत युद्ध जैसे हालात भी बन सकते हैं, जो कि आप लोग देख ही रहे हैं कि अभी रशिया और यूक्रेन का हो रहा है, उसमें बाकी देश वगैरह भी इंटरफियर कर रहे हैं। तो उस तरह से, तो फ्रेंड्स जैसा मैं बताती, जैसे यूक्रेन वगैरह, रशिया वगैरह, अमेरिका भी बीच में कूदा हुआ है, फिलीपींस भी, फिलीपींस नहीं सॉरी, जो अभी लेटेस्ट कौन सी कंट्री वो करी है वो दिमाग में नहीं है फ्रेंड्स। तो आपस में वो लड़े जा रहे हैं, और अभी सुनने में आया, जो आज ही न्यूज़ में मैं देख रही थी, कि पुतिन को मारने की पूरी प्लानिंग चल रही है। तो उस तरह से मतलब आपस में ही देश एक दूसरे से लड़ रहे हैं, तो युद्ध जैसे हालात तो वो बन ही रहे हैं। और राजनीतिक रूप से भी माता का घोड़े पर आना अच्छा नहीं है, उसमें भी बहुत ही नुकसान होता है, अच्छा नहीं माना जाता है। इसके चलते दुनिया के कई देशों में सत्ता परिवर्तन भी हो सकता है, और मतलब भारत के दृष्टिकोण से देखा जाए तो घोड़े पर सवार होकर माता का आना सरकार और जनता के बीच कुछ मतभेद प्लस महंगाई और बेरोजगारी की भी वजह से, मतलब पब्लिक, जो जनरल पब्लिक है उसमें मतलब वो आ सकता है, जैसे डिफरेंसेस आ सकते हैं कि गवर्नमेंट की प्लानिंग से वो पब्लिक सेटिस्फाइड नहीं है। तो उस तरह से मतलब घोड़े पे आना किसी भी तरह से लाभकारी नहीं है, और जो लेकिन कुछ पर्टिकुलर लोगों के लिए ये फायदेमंद भी होता है, जैसे कि खिलाड़ी, खिलाड़ी जो होते हैं, प्लेयर्स वगैरह होते हैं, जो एडवेंचरस होते हैं, उन लोगों के लिए जो एडवेंचरस काम करते हैं, उन लोगों के लिए ये नराते जो है, मतलब घोड़े पे जो माता रानी आती है, वो अच्छा माना जाता है। तो अब देखते हैं कि इसका मतलब पूजा करने से क्या परिणाम आता है। धार्मिक दृष्टिकोण से गुप्त नराते का बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस दौरान 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है। माना जाता है कि महाविद्याओं की पूजा करने से धन धान्य और स्मृति की प्राप्ति तो होती ही है, साथ ही ज्ञान में भी वृद्धि देखने को मिलती है। मतलब अगर आप ढंग से उसको करेंगे तो आपके बुद्धि में भी फर्क पड़ेगा, पैसा धन दौलत वगैरह सब कुछ आएगा। और महाविद्याओं की पूजा करने से आपके ज्ञान चक्षु जो होते हैं वो भी खुल जाते हैं। आध्यात्मिक पथ पर अग्रसर लोगों के लिए भी गुप्त नरातों बहुत अहम माने जाते हैं, जो आध्यात्मिक होते हैं उन लोगों के लिए। तो फ्रेंड्स अगर आप इस नराते को, जनरल पब्लिक तो वैसे नहीं मानती है, लेकिन नहीं मानती नहीं मतलब कि उतना वो नहीं फॉलो करती है, जो नए मेन दो नराते हैं उसी को ज़्यादा फॉलो करती है। तो मतलब लेकिन हाँ, कुछ चीज़ों को हम उसको फॉलो कर सकते हैं, अगर हमें लग रहा है कि उस चीज़ का फ़ायदा हो रहा है तो हमें फॉलो करने में भी कोई नुकसान नहीं है। तो फ्रेंड्स मैंने कहा कि चलो, मैंने भी पढ़ा था कहीं पे, तो मैंने कहा कि चलो अगर मेरे को कोई नॉलेज मिली है तो उस ज्ञान को हमें अपने जो यूट्यूब के फ्रेंड्स हैं उनसे भी शेयर कर लेना, कोई वो नहीं है। मतलब अगर मैं फ़ायदा अवेल कर रही हूँ तो जनरल जो मेरे फ्रेंड्स वगैरह हैं यूट्यूब में या जनरल पब्लिक है, उसको भी ये पता होना चाहिए, क्योंकि मुझे पहले गुप्त नराते वगैरह का इतना मालूम नहीं था। लेकिन फ्रेंड्स अब जैसे यूट्यूब वगैरह में आई हूँ तो पढ़ती रहती हूँ, नॉलेज गेन करती रहती हूँ, तो उस तरह से पता चलता रहता है कि हाँ भाई क्या चीज़ है। जैसे कुछ लोग हैं यूट्यूब को बोलते हैं टाइम वेस्ट है, ये है वो है, ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। इसमें आने से आपको कई चीज़ें पता चलती हैं जो आपको नहीं मालूम होती हैं। और फ्रेंड्स अगर आप घर में रहते हैं, बोर हो जाते हैं, तो आपका एक रूटीन बन जाता है। मतलब आप अगर यूट्यूब में आए हैं तो आपको लगता है कि अरे यार मेरे को वो नॉलेज गेन मिलेगी, मेरे को ये होगा, तो ऐसा नहीं है। हर चीज़ के नुकसान और फायदे दोनों पैरेलली चलते हैं, जैसे कहते हैं ना पहिए होते हैं, दो पहिए होते हैं, तो उसी तरह से इसके भी फायदे नुकसान दोनों हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये गलत ही है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ ये मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।